जो हमारे नियमित दर्शक हैं वे निश्चित रूप से जानते होंगे कि जंगल में जीवित रहने के लिए एक प्राणी को बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जंगल एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर मौत आपका इंतजार करती है। यहां कोई भी जंगली जानवर कभी भी दूसरे जीव का शिकार बन सकता है, लेकिन अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए और उनकी खाद्य का जुगाड़ करने के लिए प्रकृति ने प्रत्येक प्राणी को एक बहुत ही खास विशेषता उपहार में दिया है, जिसमें से उनका पहला अस्त्र होता है दांत। जंगल में अधिकांश जानवर अपने दांत की मदद से अपनी रक्षा करते हैं, लेकिन क्या आप ठीक से कह पाएंगे कि इन सभी जानवरों में से किन्हीं 10 जानवरों के दांत सबसे तेज हैं, या कौन से 10 जानवर काटने की ताकत सबसे मजबूत होती है? अगर आप इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आपको हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हमारे आज के वीडियो में हम सभी 10 प्राणियों के सबसे मजबूत काटने की शक्ति के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लकड़बग्धा यानी कि हाइना। लकड़बग्धा अन्य जंगली जानवरों के तुलना में आकार में बहुत छोटा और वजन में कम हो सकता है, लेकिन उनकी काटने की शक्ति बहुत मजबूत होती है। इस जीव के दांत बहुत नुकीले होते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी काटने की शक्ति लगभग 1100 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच है। अपने मजबूत काटने की बल के कारण वे किसी भी बड़े और मजबूत जानवर पर हमला कर सकते हैं। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि बिग वाइल्ड कैट फैमिली की तुलना में उनकी काटने की शक्ति सबसे मजबूत होती है। हमारी सूची में अगला प्राणी एक मगरमच्छ है। आप में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि मगरमच्छ के काटने की शक्ति सबसे मजबूत होते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सभी को पता चले कि ये विचार पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एक मगरमच्छ के काटने की शक्ति लगभग 3700 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच होती है, जो कि ग्रेट व्हाइट शार्क के काटने की शक्ति की तुलना में बहुत ही कम है। लेकिन ये सुनकर आप चौंक जाएंगे कि ज्यादातर वृत्त चित्रों में ये दिखाया गया है कि भले ही इसके काटने का बल कम मजबूत हो, लेकिन इसने एक ग्रेट व्हाइट शार्क को आसानी से हरा दिया था। हमारी सूची में अगला प्राणी है गोरिल्ला। आप सभी जानते हैं कि एक गोरिल्ला अपने मांसल शरीर के द्वारा किसी भी प्राणी का शिकार करने की कोशिश करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके काटने की ताकत बहुत तेज और शक्तिशाली होती है। गोरिल्ला के काटने की शक्ति लगभग 1300 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच होती है। अपनी शक्तिशाली दंश की शक्ति से वे किसी भी प्राणी पर आक्रमण कर सकते हैं। हमारी सूची में अगला जानवर एक जगुआर है। जगुआर के बहुत तेज और मजबूत दांत होते हैं, और इस दांत की मदद से ये किसी भी जानवर पर हमला कर सकता है और उन्हें खा भी सकता है। जरा उनके दांतों पर एक नजर डालिए, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वे अपने दुश्मन को कितनी बुरी तरह घायल कर सकते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी काटने की शक्ति लगभग 1500 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच है। सामान्य बाघों की तुलना में उनकी काटने की शक्ति दोगुनी होती है। हमारी सूची में अगला प्राणी है भेड़िया। भेड़िए के नाम सुनते ही हम आसानी से डर जाते हैं और हमारी त्वचा पर गूज बम्प्स आ जाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भेड़िया आक्रमणीय, जंगली और बहुत खतरनाक होता है। लेकिन आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इसकी काटने की शक्ति केवल 400 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच के आसपास होती है। भले ही इसके काटने की शक्ति कम हो, लेकिन ये उसे किसी भी तरह से बाधित नहीं करता है, क्योंकि शेरों की तरह भेड़िया भी झुंड में हमला करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे शिकार करते समय एक बहुत ही अनोखी तकनीक का उपयोग करते हैं,
जिसकी वजह से वे अपने कम काटने वाले बल के साथ भी शिकार के दौरान सफल हो जाते हैं। हमारे सूची में अगला प्राणी है लायन यानी कि शेर। हम सभी जानते हैं कि शेर को उसके राजकीय और साहस के कारण जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन अगर आप इनके काटने की ताकत के बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि एक शेर के काटने की शक्ति लगभग 650 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच होती है। दूसरे शब्दों में इनके काटने की शक्ति कछुए की तुलना से भी बहुत कम होती है। इनके काटने की बल को जानने के बाद आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि अगर कछुए की तुलना में शेर के काटने की शक्ति कम है तो इसे जंगल का राजा क्यों कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि शेर को उसके राजनीतिक और साहसी स्वभाव के कारण जंगल का राजा कहा जाता है। हमारी सूची में अगला प्राणी ग्रेट व्हाइट शार्क है। ग्रेट व्हाइट शार्क के 300 दांत होते हैं, साथ ही उनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके काटने की शक्ति लगभग 4000 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच है, जो एक जलहस्ती के काटने की शक्ति से दोगुना है। दूसरे शब्दों में वे अपने दांतों की मदद से जलहस्ती को दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे मजबूत और जंगली जानवर में से कोई भी खुद को एक ग्रेट व्हाइट शार्क के हमले से नहीं बचा सकता। हमारे सूची में अगला जीव है रॉयल बंगाल टाइगर। आपने हमारी सूची में रॉयल बंगाल टाइगर के नाम के आने के लिए इतना लंबा इंतजार किया होगा, लेकिन मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि जब विषय काटने की शक्ति है तो रॉयल बंगाल टाइगर के नाम का उल्लेख जरूर किया जाएगा। एक रॉयल बंगाल टाइगर के कैनाइन दांत जो हैं, वो 2.5 से 3 इंच के होते हैं और इस दांत की मदद से ये बाघ की तुलना में किसी भी जानवर को दोगुनी ताकत से काट सकता है। लेकिन आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इसकी काटने की शक्ति 1050 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच के आसपास होती हैं। हमारी सूची में अगला जानवर जलहस्ती। मुझे पता है कि आप सूची में इस नाम को सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन चौंकने का कोई कारण नहीं, क्योंकि जलहस्ती बहुत खामोश लग सकता है, लेकिन ये बहुत तेज और आक्रमणीय है। और मैंने आपको हमारे वीडियो फुटेज में कुछ उदाहरण पहले ही दिखा दिए हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी काटने की शक्ति लगभग 1800 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच है। जलहस्ती के नुकीले और मजबूत दांतों से शेर भी डरते हैं। अब इस फुटेज को देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक शेर जलहस्ती पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शेर को नहीं पता था कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा है। लेकिन अगले फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे जलहस्ती द्वारा भयानक रूप से शेर पर हमला किया गया है और शेर पूरी तरह घायल हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान भी जलहस्ती का बहुत बड़ा दुश्मन है। और बहुत बार आपने सुना होगा कि एक जलहस्ती ने एक इंसान पर हमला कर दिया है, इसलिए आपको जलहस्ती से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हमारी सूची में अगला प्राणी है कछुआ। इतने मजबूत और बड़े जीवों को देखने और उनके काटने की ताकत जानने के बाद आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि एक कछुए में भी एक मजबूत काटने की शक्ति होती है। लेकिन इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा आज का विषय ही है बाइट फोर्स। कछुआ भले ही आकार और आयतन में बहुत छोटा हो, लेकिन इसके काटने की ताकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि एक कछुआ की काटने की शक्ति लगभग 700 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच होती है। एक मजबूत काटने वाले बल के साथ
एक छोटा जानवर होने के कारण इसे हमारी सूची में जोड़ा गया है। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि एक कछुए के दांत नहीं होते, वे अपने जबड़ों की सहायता से तीव्र शक्ति से काटते हैं। हमारी सूची में अंतिम प्राणी ध्रुवीय भालू यानी के पोलर बियर हैं। ध्रुवीय भालू केवल आर्कटिक क्षेत्रों में पाया जाता है। ये जीव बहुत मासूम लग सकते हैं, लेकिन हकीकत में आपकी कल्पना से बिल्कुल अलग हैं। दरअसल ध्रुवीय भालू बहुत तेज और आक्रमणीय प्राणी होते हैं। उनका सबसे पसंदीदा शिकार सील मछली है और अपने मजबूत काटने की शक्ति के साथ वे बहुत आसानी से एक सील मछली का शिकार कर सकता है। लेकिन आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इसकी काटने की शक्ति 1200 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच के आसपास होती है। अपने मजबूत काटने की बल के कारण वे हमारी सूची में है। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।